हेलो गाइस, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हम हैवी इंडस्ट्री में हैवी हाई प्रेशर वॉशर हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारा हैवी ड्यूटी हाई प्रेशर है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो कैसे ये काम करता है, किस तरीके से इसकी एप्लीकेशन है, तो फर्स्ट मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में इसके लिए बताना चाहूँगा। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, फर्स्ट आप देख लीजिए, इसमें आपका ये हमारा 20 HP का हमारा ये मोटर लगा हुआ है। ये हमारा पंप है, इसको हम टिकलेस प्लंजर पंप बोलते हैं। बेसिकली इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है ये 21 LPM 350 bar है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हैवी ड्यूटी आपका पंप, जहाँ से ये प्रेशर आपका जनरेट होता है। तो कहाँ कहाँ पे इसे यूज़ किया जाता है, पहले तो हम हैवी एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं इसके। तो फर्स्ट जो ये यूज़ होता है, कॉलेज हो गए, हैवी आपका कंस्ट्रक्शन एरिया हो गया, जहाँ पर वॉल्स की क्लीनिंग होती है या वॉल्स ज़्यादा गंदा है तो उसकी क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड आपका हैवी सिप यार्ड्स होते हैं, जहाँ पे हैवी सिप से आपके सॉल्टेड वाटर्स लगे होते हैं तो उसकी क्लीनिंग के लिए होता है। थर्ड आपका जो FMCG एंड फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो मेडिसिन प्रोसेस और फूड प्रोसेसिंग मशीन्स होती है, तो वहाँ पे भी इसको क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो नाउ इसके एप्लीकेशंस के बारे में हम जान लेते हैं और क्या क्या चीज़ हम इसके साथ आपको स्टैंडर्ड देते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताया था। फर्स्ट ये आपका मशीन हो गया, इसके साथ ये आपका कंट्रोल पैनल हो गया, जहाँ से हम पूरे मशीन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये इसका आपका फर्स्ट ये बटन, जो ग्रीन बटन आप देख रहे हैं, इससे मशीन स्टार्ट होती है, इससे आपका रेड बटन, इससे स्टॉप होता है। ये इसके इंडिकेटर लाइट्स हैं जो इंडिकेट करते हैं, और ये इमरजेंसी स्टॉप है, इन केस कुछ भी आपको लगता है तो आप इमीडिएट इसको स्टॉप कर सकते हो। ये सेफ्टी फीचर्स के लिए होता है। तो हम जानते हैं इसके स्टैंडर्ड जो आपको फैक्चर दिया जाता है। तो ये हो गया सबसे पहला, फर्स्ट ये आपके हॉर्स पाइप हो गए, ठीक है। डबल एम्बेडिंग के हैवी हॉर्स पाइप्स होते हैं, जहाँ पे प्रेशर हैवी ड्यूटी इसको मेंटेन करता है। तो यहाँ पे आप सेकंड जो हो गया, ये आपका हो गया गन हो गया, जहाँ पे आप प्रेशर को आप यहाँ से ट्रिगर के थ्रू ऑपरेट करते हो, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप्स के नोजल्स हो गए, ये सैंड ब्लास्टर नोजल्स हो गए, जहाँ पे आप वॉल्स के थ्रू वॉल्स को क्लीन करते हो इस नोजल के थ्रू। एंड लास्ट ये हो गया आपका टर्नाडो नोजल, जहाँ पे आप इसे भी आप डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए क्लीनिंग के लिए इस नोजल्स को यूज़ करते हैं। तो अब इसका हम रनिंग वीडियो देखते हैं कैसे ये ऑपरेट हो। ये आपका प्लंजर पंप हो गया, जहाँ पे इस टाइम मोटर के थ्रू यहाँ पे प्रेशर भी जनरेट हो रहा है। ये प्रेशर कंट्रोलर है, जहाँ से आप प्रेशर को प्लस या माइनस का सिंबल है, यहाँ से आप प्रेशर को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये प्रेशर गेज है, जहाँ पे प्रेशर को शो करेगा। और ये इसको बोलते हैं बाईपास लाइन, वाटर बाईपास होता है, जिसके प्रमाण के जरिए मशीन कंटिन्यू रनिंग में है। तो इससे क्या होता है कि एक मशीन आपका पूरी प्रोसेस को मेंटेन रखती है और पंप इसके आपका ठंडा रहता है। तो ये हो गया इनलेट, जहाँ से पानी आपका फिल्टर होके आ रहा है, और ये हो गया आपका आउटलेट, जहाँ से पानी आउट हो। यहाँ पे सैंड के थ्रू कनेक्ट किया है, ये सैंड है आपके। तो ये सैंड बेसिकली यूज होता है, जैसे आपके वॉल्स पे फंगस आ जाता है, तो उस फंगस को और ब्लैक डर्ट को क्लीन करने के लिए सैंड को वाटर के साथ हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी देखा कि आपका ये जो लाइन होगा ये सैंड के लिए होगा, ये जो होगा आपका वाटर प्रेशर के लिए होगा। अभी ये जो भी है सैंड और वाटर दोनों ही ये मिक्स होके आएंगे। अभी देखना आप यहाँ पे, आप इसका रिजल्ट देखोगे, सैंड यहाँ से डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका आपने कुछ किया जाता है।
अब दबा के रखो, दबा के रखो, दबा के रखो। हम लोगों ने अभी टर्नाडो नोजल को हमने इसमें ऐड ऑन किया है गन के साथ, तो अभी इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ये भी आपका यूज़ होता है बॉल्स और नीचे सरफेस क्लीन करने के लिए। तो अगेन हम लोग मशीन को ऑन कर रहे हैं। डेल्टा में जाएगा, इस्तेमाल करना है जाइए डेल्टा में जाएगी। इसमें आपने देखा कि सीधा एकदम जीरो जेट की तरह काम कर रहा है, जो पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रह के भी इसको काम कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो है आपका, ये नोजल बोलते हैं टर्नाडो नोजल, इसका वॉल्यूम वाइज प्रेशर जो है काफ़ी हाई हो जाता है और वॉल्यूम ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसमें आपको क्लीनिंग जो होता है, क्लोजिंग जाके सरफेस को क्लीन करते हैं, जिससे क्या होता है इंपैक्ट जो प्रेशर का मिलता है काफ़ी हद। ऊपर उठाना, ऊपर उठाना। सारी एप्लीकेशन सभी मशीन की हम लोगों ने स्टॉप कर दिया है। एंड में मशीन को रखते हुए आपको सेफ्टी के लिए प्रेशर को रिलीज करना ना भूलें, ये बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है आपके लिए। तो सेफ्टी के लिए प्रेशर को रिलीज करना है, ठीक है। इसके बाद इसको ये वाल्व बंद करना है, इस वाल्व को आपको क्लोज करना है। तो ये आपने देखा सारी हमारी एप्लीकेशन और डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन में आप इसको यूज कर सकते हो हैवी इंडस्ट्री में। अब इस चीज़ को आप न्यू ऑर्डर और न्यू टाइप की मशीन को जानने के लिए, अपने ऑर्डर को प्लेस करने के लिए, जो भी आपके एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और वहाँ दिए हुए नंबर और ईमेल आईडी से आप हमें इंक्वायरी डाल सकते हैं। थैंक यू।